नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये हमारी मिर्च की नर्सरी। हमारा उद्देश्य यहां पर सिर्फ यही बताना है कि मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। और हमारे कई सारे मित्र बोल भी रहे हैं कि भाई मिर्च की जो नर्सरी तैयार करते हैं तब बीजों को ऊपर से छाटना बेहतर रहेगा कि एक एक हाथों से लगाना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, यदि हमारी राय आप मानना चाहें तो बीज को एक एक हाथ से लगाएंगे तो बेटर रहेगा। यदि बीज को आप यूं ही ऊपर से छांटेंगे, जिस तरीके से गोभी का बीज हम छांट रहे थे उस तरीके से यदि आप छांटते हैं तो दोस्तों आपका बीज का जर्मिनेशन 80% होगा। यदि एक एक हाथ से लगाओगे तो 95% आपका जर्मिनेशन जरूर होगा। हो सकता है 95 से 99% हो ही जाए। इसके बाद दोस्तों, आप जो देख रहे हैं वीडियो में जो नर्सरी है वो हमारी मिर्च की नर्सरी है और इसको आप अभी 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन में दोस्तों आप देख सकते हैं नर्सरी किस तरीके से बाहर निकल आई है। और दोस्तों, यदि आप बरसात के मौसम में इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए खेत से थोड़ी ऊंचाई जगह पर नर्सरी तैयार करना चाहिए। अब चाहे आप मिर्च की नर्सरी तैयार करने जा रहे हो या फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन या फिर किसी भी तरह की नर्सरी तैयार करने जा रहे हो तो जमीन से ऊपर ही हमारे लिए नर्सरी तैयार करना चाहिए। उससे फायदा यह होगा कि बरसात के मौसम में दोस्तों जो भी गलन सड़न आएगी या पानी का जमाव होगा तो वह नहीं होगा और फसल सुरक्षित रहेगी। ये जो दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हो, हमारी नर्सरी काफी बड़ी हो चुकी है जो कि हमारी 20 दिन की हो चुकी है और इसके पत्ते भी अब पीले पड़ने लगे हैं। पीले पड़ने का कारण एकमात्र दोस्तों यह है कि बारिश पिछले 3 दिन से बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हर 1-2 घंटे में बारिश शुरू हो ही जाती है। इसके बाद दोस्तों लगातार निरंतर पानी गिरने से इसके पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, मतलब नर्सरी अब गलने लगी है। तो इसकी सुरक्षा के लिए दोस्तों हमें इस पर छांव करना होगी। छांव आप तिरपाल, नेट, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि भपका नहीं आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये 2-3 दिन में सही हो जाएगी और इसको दोस्तों अभी हम यहाँ पर इसे 10 से 15 दिन और नर्सरी में रखेंगे। इसके बाद निकाल कर खेत में लगा देंगे। अभी हम नर्सरी को जितना बड़ा करेंगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि बरसात की खेती है। यदि ये जो अभी फिलहाल में छोटी नर्सरी है इसी को लगा देंगे तो दोस्तों फसल हमारी गल सकती है, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और खेत में लगाते वक्त आपको डोरियों पर लगाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि बरसात में जो पानी जमा होगा वह नहीं होगा और फसल आपकी सुरक्षित रहेगी। और फिलहाल में दोस्तों इसमें कोई भी रोग नहीं लगा है, किसी भी तरह के कोई कीट नहीं लगे हैं। आप देख सकते हैं हमारी नर्सरी एकदम स्वतंत्र रूप से सही है। बस इसके पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जिनका उपचार हमने बताई दिया है। बस छांव करना है और पत्ते एकदम इसके काले वापस फिर से हो जाएंगे, मतलब हरे कलर पे आ जाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारी जो नर्सरी हमने तैयार की है, बीज को एक एक हाथ से लगाया है और बढ़िया लाइन में लगाया। आप देख सकते हैं बढ़िया लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 3 सेंटीमीटर की रखी गई है और बीजों को एक एक हमने इसमें डाल दिया है चोटी से। तो इस तरीके से हमारी नर्सरी तैयार हो चुकी है और जर्मिनेशन भी काफी अच्छा हुआ है। आपका ये डाउट होगा कि भाई कौन से सीड्स हमने लगाए हैं, तो भाई ये हमारा US 611 का सीड्स है मिर्च का, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। मार्केट में नहीं मिलता है या फिर इसके अलावा और कोई से सीड्स खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया, आप वहां से जा सकते हैं। बहुत जल्द हम कुछ ऐसी कंपनी या वेबसाइट खड़ी करने वाले हैं जहां से आप ऑनलाइन मिर्च के सीड्स परचेज कर सकते हैं और किसान भाइयों से भी बातचीत कर सकते हैं। और मिर्च की खेती कैसे करना है इसके बारे में भी हमने विस्तार से बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हमने डाल दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपके लिए हमारे द्वारा बताई गई खास महत्वपूर्ण जानकारी मिर्च की नर्सरी से संबंधित? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके। मन में कोई सवाल है या फिर किस तरह की जानकारी आप हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इसके बेल आइकन को। मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।